दर्शकवृंद नमस्ते। जनकपुर में राम जानकी बहुउद्देश्य रंगशाला निर्माण के चर्चा बहुत लंबा समय दिशा चल रहे। लोग सब के अपेक्षा रहे या आम जनकपुर वासी के अपेक्षा रहे जे ई रंगशाला निर्माण हेते तो अठाम खेलकूद के गतिविधि बढ़ते। जनकपुर चुरोट कारखाना कोनो समय में एकटा खेलकूद के गतिविधि के केंद्र रहे, मुदा ते के बाद ई खेलकूद एकटा सुस्त अवस्था में पहुंच गेले। खेलकूद के गतिविधि एक प्रकार से देखबे त बंद के अवस्था में देखाई देल के बंद भ गेले। तकर बाद मधेश आंदोलन लगात के होत 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 जच्चू काली एक प्रकार से जनकपुर चुरोट कारखाना धराशायी भ गेले। और तकर बाद गुठी संस्थान से जे किछ अभियानी सब अर्थात दिनेश पूर्वे लगात के व्यक्ति सब जे जनकपुर में खेलकूद के गतिविधि के आगा बढ़ायल जाए ते हिसाब से खेलकूद के गतिविधि के आगा बढ़ावे के हिसाब से ओ एकटा बहुउद्देश्य रंगशाला के कंसेप्ट लाइब का एकटा सब गोटे के चेतना लगल के अर्थात पूरा ऊर्जा हुनकर ओइ में लाग गेले। मुदा प्रक्रिया बढ़ले, बात भेले जे भारत सरकार में लगानी लगते, भारत सरकार के संगे एकरा एग्रीमेंट हेते और एठाम बनते। मुदा तमाम किसिम से जे समस्या सब देखत देखत अवस्था ई अलै जे आब राष्ट्रीय खेलकूद परिषद जे जगह लीज पर लेने छलिए ओ करार भंग कर देलकै। ओकर चिट्ठी छै, ओ चिट्ठी में लिखने छै जे खेलकूद परिषद ने राखी रहनु उपयुक्त एवं सान्दर्भिक न भएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद र गुठी संस्थान बीच 2074/8 गते भएको सम्झौता काम गरिरहनु उपयुक्त नदेखिएको हुँदा सम्झौताको शर्त 16 बमोजिम बाँकी बक्यौता बहाल रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयलाई खेलकुद परिषद बीच भएको सम्झौता शर्त नम्बर 19 बमोजिम उक्त करार भंग गरी सोको सूचना गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयलाई 2080/9/3 गते के जानकारी दर्ज देल गेल छै। अर्थात एक किसिम से जे सम्झौता छलै, जे आशा छलै जे बनतै, ई आशा भरोसा एक प्रकार से भंग भ चुकल छै। जे करार छलै आब एकरा नया प्रोसेस से आगा यदि बनतै तऽ प्रोसेस आगा बढ़ाबे पड़तै, नहि बनतै तब बस ई एकटा आशा आशा में रह गेले। त आइ हम सब दिनेश पूर्वे जी के बजने छी जे बहुत निराश छै ई समझौता भंग भेला के बाद में एकर कारण ऐ के उद्देश्य ऐ सब बात पर हुनका संगे हम सब बात करब। दिनेश पूर्वे छै, दिनेश पूर्वे जी अहाँ के ई रंगशाला के अभियान के शुरू से अर्थात जनकपुर में रंगशाला बने ई अभियान चलाबे वाला अपन संपूर्ण ऊर्जा कोनो काज धाज नहीं कर का ओ में लगलखिन और जे अखन के अवस्था जत तक संरचना बनल छे वो संपूर्ण ऊर्जा हिनके खर्च भेला के कारण से एत तक संरचना खर्च भेले। दिनेश जी आज तो समझौता रद्द भ गेले। जी नमस्कार। हाँ रद्द भ गेले, मगर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद कल के जनकपुर वासी समझौता रद्द नहीं कल के ये बहुत दुर्भाग्य छे कि हमरा सब के केहन नहीं के हम सब एक मेयर के ई काज ओहिसँ भीतरसँ अलै यऽ कि मेयरे नहि ये चाहै छै कि ई 9 लाख रुपया भाड़ा दे बहुत भ गेलै कि गे। मतलब वार्षिक 9 लाख रुपया गुठी संस्थान के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद तिरै छलै। जी जी जी, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद तिरै छलै और एहिमे अभी के मतलब हमरा सबके ई समझौता हमरा अहाँ के नेपाल भारत के प्रतीक जे निर्माण हो जा रहल छलै एगो वीर स्मारक पहचान छै हमरा अहाँ के धरती के वीर स्मारक के रूप में वीर अखाड़ा के रूप में सीताराम के अखाड़ा के रूप में ई अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जाय छलै। कोनो रंगशाला के हिसाब से नहीं जाय छलै, ई हमरा अहाँ के नाक खड़ा हो के काल खुमा जे हम अहाँ के पहचान छै ओ पहचान जनकपुर अपना आप ई रंगशाला के बनला के बाद अयतै। हमरा सब के ई एगो सीताराम के अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा के रूप में बनाबे के छलै। ई अभियान अपने के 2064 से जे अगाड़ी बढ़ल छलै बहुत ई सम्पूर्ण जनकपुर वासी के एगो आशीर्वाद में प्राप्त भ के अगाड़ी बढ़ सफलता मिलल छलै और ई अपने के भारत सरकार सेहो स्वीकृत कह दिलके और हमरा सब के DPR दिए। हम ओहिमे जेना अपने कह रहल छी जे मेयर नहि चाह रहल छै, मेयर नेपाल में अंतरराष्ट्रीय रंगशाला नीति लागू भेले और हरेक प्रदेश में सातो प्रदेश में सात गो अंतरराष्ट्रीय रंगशाला बनाबे के नीति अगाड़ी नीति अलै और अंतरराष्ट्रीय रंगशाला
प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के सामने में मात्र भ सकैए। और अभी के अवस्था में स्थानीय और प्रदेश में प्रदेशिक एगो अइ पर सहमति छले भेल जे डीपीआर भ क ई 100 करोड़ रुपया मोदी वाला एमे लागू कैल जाए और भारत सरकार एकर स्वीकृति द के उ जे पैसा छले अहा के देबा वाला से पैसा में त मेरो सकारात्मक छले ओकर एके टा ई छै कि डीपीआर क के हमरा हाथ में केना औतै जमीन से एकर प्रमाण हमरा कुछ शंका लगै छलै होइ छलै कि मतलब बारम्बार जे खिलाड़ी सब रखै छलै उ अब अहाँ के केकरो जगह पर जाकर अहाँ झंडा गाड़ देबै तो वो झंडा वाला जगह वाला या भाग तो भाग नहीं तो अपू भाग तो परिषद तो भाग के भगते तो वो जो चाहे चले भगवे करो आई ये चाहे चले करो तो समझौता रद्द हो जाए। आई अपना ये अपने के देखियो अथी के कथ के से प्रचंड के बेटी जे रेणु दहाल जी छे उनका जो गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय अंगशाला उनका नाम में छलिए कथ कहे छे नगर पालिका के नाम में मगर वो की कल के राष्ट्रीय खेल के पैसा से जोड़ के एक बराबर के बात कल किया मगर ये की कल के तोड़ के हम अपना नाम लाए अर्थात ओकर समझौता करार रद्द होवे के एक कारण की गुट्टी संस्थान से आप नगर पालिका करार करते ते हिसाब से हासिल के कहलक अब मतलब ये एकर एकर एक तो भय से कि हम नगर पालिका में हमरा ई जगह आब आबे जब ये नगर पालिका में आते तो यहाँ के 753 गो छे यहाँ के स्थानीय रंगशाला निर्माण करे के स्थानीय रंगशाला ओकर ओकर कानून से वैसे ऊपर नहीं उठेगा। यहाँ प्रचंड के बेटा नहीं थी मेयर जे यहाँ कोनो कानून पास कर देवे रेणु दहाल से वही पास है कोई कुछ कल किया मगर आहा के लिए गरीब के लिए तो कानून है गरीब के हिसाब से मतलब एकरा ना बुझना कि अंतरराष्ट्रीय रंगशाला जे छले वो निर्माण हो वाला रंग अंतरराष्ट्रीय रंगशाला आहा के ओमे राज्य के या संघीय सरकार के लगानी रहते चाहे तो स्थानीय सरकार से बना सके छोटका छोटका रंगशाला हाँ वो के साथ मतलब बना सके तो मतलब अर्थात अखन जे समझौता रद्द भेले ओकर आहा के हिसाब से या ई परिपत्र जे आयल छे एई के हिसाब से जे मेयर के आकांक्षा छे जे ई अंतरराष्ट्रीय स्तर के ने बन के एकटा स्थानीय बनो आ ओई में हमर बने में बने से मतलब हमर मतलब हमरा अधीन में रह के बने तो बनती केना 100 करोड़ भीतर में रह के बनावे चाहे छे 100 करोड़ में बना दो के भाव गेले वो टूर्नामेंट खेलते वने में रहते जनकपुर के अंतरराष्ट्रीय रंगशाला अहाँ परिकल्पना करोगे जब तक अहाँ के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद साथ में नहीं रहत तो केना अहाँ परिकल्पना करोगे कते वर्ष अहाँ सब जगह लीज में लेने छले ई अपने के 2074 8 महीना 3 गते कते वर्ष के लिए 30 साल के लेल 30 वर्ष के तो बीच में तो करार तो रद्द नहीं करत चाहिए नहीं करत चाहिए मगर ई एक उनकर का नाम भेले देरे बाओ यल्लाई अब एगो मेयर कहना मोये स वो दबाव दिल के तो वो के परिषद के कहना में तब एक ई बात आंतरिक से तो तब एक मेरे चाह देला मतलब वो हमरा नहीं कहने छे विषय को इकलल छे कानून विज्ञ छे एगो उनका मतलब समाचार दिल के तब एक वहां को मेरे चाह देने ते कसरी हुन्छ वहां के पटक पटक धेरै भयो यसलाई भंग गर्नु पर्छ से कहीं का वैसे दबाव दो के पलथी और का वो वहाँ के वो के समझौता के रद्द करवे की है मगर हमारा समझौता के राष्ट्रीय खेल पैसे रद्द करवे की है जनता ने रद्द करवे नहीं थी ना सरकार के ने नहीं थी हम सब प्रदेश सरकार से पुनः समझौता के प्रयास अगारी बढ़ावे मगर दुर्भाग्य छे हम अहाँ सब केहन केहन एहन 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 मेयर के हम सब हाथ सुनबे नपुंसक मेयर बुझू ना एक कहल जाए तो नपुंसक मेयर के रूप में जे एगो एते बड़का अभियान के जनकपुर वासी के अंतरराष्ट्रीय जनकपुर बनने वाला अभियान के संपूर्ण जनकपुर वासी के सब चकना चूर भविष्य पर खिलवाड़ कर राख दिल के हिंदा सबके तो मतलब काना के मन चले गिर गए कथ कह से विषय भव अगर सरता ले लिए जे के कारण से समस्या आल ना हमरा अगर सरता में कोनो विषय नहीं है वो का एक टा ई छे कि 100 करोड़ वाला हमरा अहाँ के अंदर में रह का काज हुए प्रदेश सरकार के लिए तो पूरे प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार का इल्खुमा की हुई है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सबके बीच में हुई थी ये बात डीपीआर बहुत आगारी बैठती तो जगह हमारा हाथ में चल आवे ते किसी के वही उनकर मानसिकता गेले यदि आप तो मोटा मोटी रद्द भेला के बात में बहुत जे खेल क्षेत्र के जे खेल क्षेत्र में लागल छे जिनका आशा छले जे के विकास हेते निराश
खेल क्षेत्र में जते लागल छै उ सब के मतलब जे खेल क्षेत्र में लागल छले हुनका सब के हम सपने छलिए उ मतलब टूर्नामेंट वो करू हुनकर जे मतलब मतलब कहै छै भानव के हाथ में लड्डू वो उनका सबके अब खेले छले से खुशी छल मगर उनका सबके क्रियाकलाप सिचुएशन लौटी से हमरा मतलब अर्थात सब गोटे के कारण से या सब गोटे जे अहाँ के लागल छले है ना जे जे के कारण से सब गोटे के कारण से ई बात भ गेलै टूट गेलै जे जे जते हां इनका सबके कारण मतलब मेयर के ओमे बल मिलले कि हमरे का मतलब हमरा अथी में नगर पालिका के अंदर में रहते त नगर पालिका के अंदर में रह का स्वामित्व में लगा तेकर बाद 100 करोड़ के हम संचालन करी अभी कौन अभिष्ट से तो अपने सब बुझबे करबे 100 करोड़ में हमरा 100 करोड़ में मतलब बने उद्देश्य रखते अंतरराष्ट्रीय कहला तो कहते अंतरराष्ट्रीय मगर 100 करोड़ के अंदर में रह के जो सिस्टम नीति आगारी बढ़ते तो की बात है शांति के ना आ के यहां चाहे छी प्रधानमंत्री से करवा अभी तो राष्ट्रीय खेल कूद परिषद के अधीन में रह पड़े ना जमीन आ स्वामित्व में रहबे नहीं करते प्रधानमंत्री के नागारी करते वही तो हम रहते हैं कि दोनों देश के प्रधानमंत्री अस्त ये करवा के अब ये अथी रंगशाला हमरा रंगशाला के संभावना खत्म भ गेली या अपनो संभावना छै नहीं नहीं संभावना खत्म हो गेलै वो हुनकर जे अभिष्ट छलिए मेयर साहब के से अपन निकाललकै हम सब ओमे कुछ एहन चीज समझौता में राखल गेलै जे हमरा सब के आब एकर अगर कहियो साहु जी हमरा ई चीज सोच के रखने छली कि जे दिन अगर राष्ट्रीय खेल कूद परिषद बाइक भ जते कोनो किसिम से मतलब अतरंजित भ जते यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि गर्ने हैन हामी चाहे दैन संजोग बाइक होते मगर ये बाइक करवाई ली गेली मेयर साहब से मतलब रंगशाला के संपूर्ण प्रक्रिया जे अखन अनेक टा प्रकार के बुझु न रद्द भेला के बाद में तो अवरुद्ध भ गेले अवरुद्ध भेलो मगर एकरा पुनः हम सब आ प्रदेश सरकार से समझौता होते तो ओकर प्रक्रिया के संपूर्ण अवरुद्ध करे के कारक तत्व मध्ये जनकपुर धाम रूप महारे प्रकार छ अइ में कोई शंका नहीं छ ओकर मतलब अपन जस लेवा के लेल दिनेशपुर में जे के जस नै होय हमर जस होय ये अब ई भीतर में अब के हुनकर से हम नै कह सकब 100 करोड़ हम संचालन करी से हुनकर भीतर के मतलब प्रदेश सरकार डीपीआर बनाबो अब ये केकरो हाथ में नहीं जाए अंत अंत ये जगह हमरा पास में रहते एगो अथॉरिटी रहत कि वो डीपीआर हम पेश करब चाहे कोनो किसिम के हुनकर सकारात्मक पक्ष छले कि हम बनाए हम सहयोग कल के सेहो विषय में एकदम पॉजिटिव छे मगर ये एगो हुनकर सोच गलत किसिम के क्रियाकलाप भ गेल वही में हमरा आगे खिलाड़ी सब हुनका बल दिए में काज कल के अहाँ के अर्थात अहाँ जे अभियान चलेलिए अहाँ जे अग्रसरता लेलिए तो ई बीच में अहाँ के संपूर्ण रूप से प्रक्रिया से हटा देने सब प्रक्रिया वो हटेल के कि वो सब वही किसिम के वातावरण बन ले हम वही वातावरण से दूर रह चलिए हम कह चलिए खेल होबे करे छे आ ये तो हमरा अहाँ के सरकार से ना डील होइ छे सरकार के हमरा हमरा डील करे के हमरा तो समझावे के जे बिजाओ के तो सारा सब चीज प्रक्रिया तो बोले एगो एगो चीज हो है ना कोई बनाबे मेयर बनाबे लेकिन बन जाए से विषय छे विषय नहीं के मतलब मेरे साहब के कंडीशन चले के बन जाए सहयोग करे चले अब हम प्रदेश सरकार रद्द भेला के बाद में नहीं होती से हम कह रहल छी ना बंद दे ई हमर एक कनी रीजन में हमर स्ट्रेंथ से हमर एक तो लक्ष्य में रीजन में स्ट्रेंथ ना होई तो कखन तो खत्म होते उ तो वो पार्ट है वो खत्म हो गेले वो कैंसर पार्ट चले जे अपन वो अपन अभिष्ट पूरा कलके या वो खत्म है मगर बहुत दुर्भाग्य छे मतलब ई मतलब आई जे नगर पालिका ई चाल चलल के या अब केहन किस्म के हम आहा सब जन्म द देली नगर पालिका के मेयर के केहन देलिए से अब अपने से बुझू कि हमरा के भविष्य अंतरराष्ट्रीय बनो वाला अब आ आशा केना करबे कि मतलब एगो आहा के प्रधानमंत्री स्तर से दुनू देश के प्रधानमंत्री करते तब न विश्व के हमरा गंतव्य बनाबे के है ई केना के बनते एगो आहा के मतलब हेडमास्टर वाला काम अगर प्यून कहते कि आई हम जिम्मेवारी ले लीले तू कते अगाड़ी बढ़ते तो स्थानीय सरकार के जे लेवल छे उ लेवल तो हमरा हां के तो जनकपुर के राजनीति स्टेटस तो कोनो प्रचंड के बेटी जी का तो नहीं छे ने ये कि जब ये बात होई छे त कानून न होई छे त कानून त पाई को परे नहीं एक तो एक अपने के प्रदेश सरकार 4 साल लड़ले 5 साल जे कि अख्तियार पर लागल छले जमीन पर अख्तियारों में हम सब जीत भगली कोनो जनपुरवासी के जानकारी नहीं देने छे किला तो कारण वो में मेहन किस्म से गेल छे जे में गुठी के स्वयं मालिक बना देने छे तो गुठी वो के अपन पुष्टि कल के कि ना हम मां आप ही बनाए रह छु
हाम्रो सब सहयोगी भनेर बनी रहेछ। यो त पुरै देशको लागि बनी रहेछ। तब जाके अख्तियार हाम्रो अहाँके जित भेल यो जनकपुरवासीके लेल। वीरगंज तो पूरा लागले छलै कि एकर खत्म कर दी। एहि काममे हुनका सबके छलै समझौता रद्द करके मन, आ ओहिमे से एगो बल मिल गेलै। ये तो तैको हिनका लाबके छलै कि ओ रद्द भ जेतै तऽ हम ओहि जगह पर समझौता करी। ई कारण कि तऽ अभी के जसके लड़ाई में ई समझौता न हुआ। तैको अभी अभी मेयर साहब के हम हमरा अथी निकालने छै जो कैलेंडर, ओ कैलेंडर में ई अपने के जगह के नगर पालिका के घेर के अथी कर देने छै। नगर पालिका के घेर के मतलब एगो केंद्र जेना होइ छै ने लाल पूर्जा जी का पेन क मतलब हाँ संकट लगे छ लगा, मगर एहन करते से मतलब नहीं सोचने छलिए। बहुत दुर्भाग्य छे। सबको नमस्कार।